नमस्कार, देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात कर रहे हैं चुनाव की। तो चुनाव देखा जाए बघेरा वार्ड नंबर 6 जिला पंचायत की सीट को लेकर हमारे बीच में बघेरा से अरविंद बादल जी बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तो कल ऐसा ही एक विरोध हुआ था बघेरा सीट को लेकर। तो हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में अरविंद बादल जी मौजूद हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत की चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तो अगली आवाज अरविंद बादल जी की, प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार भैया, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हो आपका बहुजन समाज पार्टी से। आपको जिला पंचायत के तौर पर टिकट दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक सवाल करेंगे आपसे, जो कल आपके ही गांव की रजनी गौतम जी जो विरोध कर रही थी कि हमको टिकट क्यों नहीं दिया, आखिर अगर कहां वो टिकट की बात कर रही थी, उनको टिकट कैसे नहीं मिला और आपको टिकट दे दिया, क्या था वो फंडा? देखो, एक तो व्यक्तिगत हम उनसे कोई शिकायत नहीं करना चाहेंगे। जो पार्टी का निर्णय होता है उस निर्णय का उनको भी स्वागत करना चाहिए और हम उस पार्टी के हर निर्णय के साथ थे। दुख इस बात का है कि चूँकि सामान्य सीट में चूँकि आवेदन करने का हमारा मौलिक अधिकार है और हमने बहुजन समाज पार्टी में अपना आवेदन दिया और आवेदन देते समय हमने रजनी गौतम को फ़ोन लगा करके बुलाया था कि रजनी अब हमारी सीट आ गई है, आप चूँकि हम आवेदन करने आए हैं तो आप भी आइएगा और सामान्य सीट पे आप हमारा सहयोग करिएगा। तो रजनी गौतम को वहाँ बुलाया गया पार्टी कार्यालय में, दोनों लोगों का खुले तौर पे कमेटी ने इंटरव्यू लिया। तो हमसे बुंदेलखंड के प्रभारी माननीय श्री लाला राम जी ने पूछा कि चूँकि आवेदन तो आपने किया है, अगर पार्टी मान लो आपको टिकट नहीं देती है तब? तो हमने साफ तौर पर कहा था चूँकि पार्टी जिस किसी को भी प्रत्याशी बनाएगी मैं उस प्रत्याशी के साथ पूरे तन मन धन के साथ काम करने को तैयार है। यहाँ तक मैंने ये भी कहा था कि सामान्य सीट पर अगर SC की रजनी गौतम को या किसी अन्य को भी प्रत्याशी बनाया जाएगा तब भी हम खुले तौर पर तन मन धन से पार्टी की गाइडलाइन पर समर्थन करने को तैयार हैं। और जहाँ तक हमारे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, क्योंकि हमारी उनसे व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है, वो हम तो उनको बहन मानते हैं, हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। जहाँ तक हमारी अपनी सफाई की बात है तो 2007 में हमारे बड़े भाई श्री विजय कुमार बादल जी और पूरा परिवार बहुजन समाज पार्टी में आ गया। 2007 में इसी बबीना विधानसभा से जब ये चूँकि SC समाज के लिए आरक्षित सीट थी, उस समय बहुजन समाज पार्टी से श्री रतनलाल जी चुनाव लड़े थे, हमारे बड़े भाई ने हम लोगों ने मिलकर के बहुजन समाज पार्टी का सहयोग दिया था, उस समय से हमारी पार्टी की शुरुआत। बादल जी 42 गांव है, किस प्रकार आपका जनसंपर्क चल रहा है, कैसा आपको गांव वालों का आशीर्वाद मिल रहा है? और हमने सुना कि आप इससे पहले भी चुनावी मैदान में आए हुए थे, वो कौन सा चुनाव था पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे? देखो एक चुनाव नहीं, इसके पहले हमें 2014 में हमने लोकसभा का माननीय श्रीमती अनुराधा शर्मा का चुनाव एक साल तक होल टाइमर काम करने का हमें मौका प्राप्त हुआ। 2012 में माननीय श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत के साथ हमने काम किया। 2017 में श्री प्रागीलाल जी अहरवार उस समय बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे, उनके साथ हमने होल टाइमर काम किया। उसके बाद पिछले 5 साल पहले इसी बघेरा सीट से जब नई सीट बनी थी, श्री बिरकोदर सिंह यादव जो हमारे बगल में बैठे हैं, उस समय पार्टी ने इनको टिकट दिया था, इनके साथ हमने कंधा से कंधा मिलाकर इनका सहयोग किया था। और हमारी ज़मीन चूँकि एक विरासत में हमारे पिताजी ने, हमारे ताऊ ने हमेशा किसान मजदूरों की सेवा की है, वही हमें विरासत में मिला है। तो हम 15 साल से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहे हैं और किसान मजदूरों की सेवा करते हुए हमें लगातार 15 साल, तो हमें विश्वास है क्योंकि हम कर्म युद्ध मानते हैं, हम जाति युद्ध नहीं मानते हैं, ना हम जाति के आधार पर राजनीति में आए। हम तो माननीय बहन जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो हम मानते हैं कि सर्वजन के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया है और हम पूरा प्रयास करेंगे और हमें भरोसा है कि इस क्षेत्र से सर्व समाज का हमें सहयोग मिलेगा
और भारी मतों से हमारी समझ में सबसे बड़ी जीत बघेरा सीट से होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। एक सवाल और है आपसे, जिस तरीके देखा जाए 42 गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या क्या देखने को अभी आपकी नज़र में है? 42 गांव में तो चूंकि हमने हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, इस तहसील में 152 गांव हैं जी, और बघेरा जो नई सीट बनी है इसमें टोटल 42-43 गांव हैं, 26 के लगभग ग्राम पंचायतें हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि 50 गांव तो इस तहसील में ऐसे हैं जब से देश आज़ाद हुआ आज तक सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाई, तो हम लंबे समय से इस पर भी संघर्ष कर रहे हैं कि किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए। और दूसरी कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, उस वो भी हमारे घोषणा पत्र में होगा। और चूँकि हम तो पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि बादल जी किसान नेता होने के नाते, बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते लगातार संघर्ष करते रहते हैं, तो ये काम जन की आवाज़ है कि बादल जी, और हम अभी क्षेत्र में गए थे तो हम लोगों ने कहा कि चूंकि लोकतंत्र में वोट मांगने का सभी लोगों को अधिकार है, अन्य दलों के लोग भी वोट मांगने आते हैं, हमने जनता से अपील की कि चूँकि आप लोगों को वोट देना है तो आप जीते कर लेना, कुछ लोग केवल चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, 5 साल आए चुनाव लड़ने के लिए आए, हमारा तो काम है हम लगातार आपके बीच में आते रहते हैं, इतना मूल्यांकन कर लेना कि आपके बीच में जो लगातार आपकी बात को उठाता रहता है, अगर अरविंद बादल सही है तो आप अरविंद बादल को वोट कर देना, अगर आपको लगे कि केवल वोट मांगने वाले को हमें वोट देना है तो आप स्वतंत्र हैं, जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी मालिक होती है, तो हम तो चूंकि जनता के दरबार में है, समय कम है, चुनाव आयोग द्वारा चूंकि हमें समय कम का, सभी को समय कम मिला है उसका हम स्वागत करते हैं, कम समय में आप लोगों के माध्यम से और अपने पुराने काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, और सर्व समाज का हमें लगातार इसने प्यार सम्मान और तन मन धन से लोग समर्थन कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम विजयी होंगे। 42 गांव के व्यक्तियों का अगर आशीर्वाद मिल गया, जीतते हो जी, पहली स्वागत क्या दोगे गांव वालों को? चूंकि अगर हम विजयी घोषित हुए तो स्वागत के रूप में, तो चूंकि जिला पंचायत का जो सदस्य चुना जाता है तो वहां हम यहां की जो मुख्य मार्ग, जो मुख्य सड़क थी वो तो ठीक बन गई है, सबसे बड़ी यहाँ समस्या है जैसे बंगरा से बंगरी के लिए आ पाए, यहाँ की सड़क की व्यवस्था आपने देख ली, बंगरा से तहसील के लिए जो सड़क है, तो जो मुख्य मार्ग से गांव के लिए सड़कें जाती हैं, हमारी योजना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की तरह हमारे मुख्य मार्ग से गांव की तरह प्रत्येक गांव की सड़कों से जोड़ा जाएगा, पहला हमारा जो मुख्य वो है घोषणा पत्र यही रहेगा कि हमारे गांव में जो मुख्य मार्ग से सड़कों को जोड़ा जाए, अच्छी सड़कें हों, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, सिंचाई की पानी के लिए पीने की व्यवस्था हो और खेतों की सिंचाई के लिए व्यवस्था हो, यही हमें उम्मीद है और इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप बताइए कैसा जिला पंचायत होना चाहिए, अरविंद बादल जी किस प्रकार जनसंपर्क और कितने दिनों का संघर्ष इनको लोगों का प्यार जी आशीर्वाद मिल रहा है? पिछला चुनाव भी बादल जी ने और हमने मिलकर ही लड़ा था जी, दोनों के सहयोग से हम लोगों ने लड़ा, और इस बार चूंकि पिछला चुनाव हम हार गए तो पिछले चुनाव को भी लोगों ने कहा कि इस बार हम आपको जिता के सीट देंगे, इस बार बादल जी की जीत निश्चित है, लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है जहाँ भी जाते हैं, और जो क्षेत्र है जी हम लोगों का, हम बघेरा न्याय पंचायत है, इनकी चंदवारी न्याय पंचायत है और एक न्याय पंचायत धमना है, तो तीनों जगह से हम लोगों का ऐसा नहीं है बहुत अच्छा वोट मिलेगा और सब समाज का वोट मिलेगा, उसमें चाहे यादव हो चाहे ब्राह्मण हो कोई भी समाज हो, सब समाज हम लोगों को लाइक करती है और सब समाज हमको वोट देगी। ये थे अरविंद बादल जी जो बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत की दावेदारी कर रहे हैं और बघेरा वार्ड नंबर 6 से 42 गांव का लोगों के बीच में जा जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि 42 गांव का कौन चमकाने का काम करेगा, जिला पंचायत सदस्य कौन बनकर इस गांव को चमकाने का काम करेगा, कौन विकास की लहर इन गांव की गंगा के अंदर बहाने का काम करेगा। कैमरामैन मनीष के साथ देवेंद्र कुमार, संपादक देव न्यूज 86।